हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द बिटकॉइन बर्नर। तो यार, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम के बारे में। तो यार, इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा सिंपल और इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश करूंगा, ताकि यार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि नेम पे वीडियो बना दो, नेम पे वीडियो बना दो। मैंने सोचा लाइक सिंपल छोटी सी प्यारी सी वीडियो बना देते हैं, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं नेम के रिलेटेड, वो सब मैं क्लियर कर दूं। और नेम बेसिकली करना क्या चाहता है, खो क्या रहा है नेम के साथ, उन सब पे हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम करंट अगर नेम की बात करें, तो नेम है क्या? नेम की अगर फुल फॉर्म में ले ले तो न्यू इकोनॉमिक मोमेंट है। बेसिकली वो एक नई, अपने आप को खुद भी एक स्मार्ट एसेट ब्लॉकचेन का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि हम एक बहुत अच्छा, हम कोशिश करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करें, एक बेटर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराएं। कोशिश कर रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज यूज करूँ, ताकि आप लोग अपने डेटा को मैनेज कर लगे, इजिली एक्सेस कर सके, इजिली ट्रांसफर कर सके एक चीपर रेट में, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सब होना भी चाहिए। ये एक, अगर आप डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर लेते हैं और ट्रांसफर कर लेते हैं, और आप कॉस्ट प्राइस लो है, वो एक अच्छी बात होती है। पर नेम करके आ रहा है, नेम की अगर और हम बात कर ले, थोड़ा नीचे चलते हैं। नेम बेसिकली और करना क्या चाहता है, नेम ऑफर सीमिंगलेस एबिलिटी टू, एक एबिलिटी प्रोवाइड कराता है आपको, ताकि आप एक पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन के थ्रू कनेक्ट कर सके, और अपना जो डिजिटल एसेट्स हैं आपके, आपके टोकन हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, फीस हो गए, उसको इजिली आप ट्रांसफर कर सके, एक्सेस कर सके। तो यार, ये सब सुनने में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। नेम दिखा रहा है भाई बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके लिए उन्होंने यार सिंबल सिंबल निकाला, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की। अब सिंबल ने क्या किया, सिंबल एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्लॉकचेन था, जिस जो बूस्ट कर सकते थे, इंक्रीज कर सकती है सिक्योरिटी और प्रोग्रामेबिलिटी। एक अगर सिंपलेस्ट में बोलो, आपको डेटा ट्रांसफर करने की और यूटिलिटी को इंक्रीज कर सकती थी। पर हुआ क्या, डिले हो गया, काफी डिले हो गया, जिसके कारण बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल गई नेम के बारे में मार्केट में, और हमें देखने को मिला कि भाई नेम की प्राइस बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुई। अगर हम बात कर ले, एक तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अगर हम बात करें 14 फेब को ऑलमोस्ट डबल हो गई थी 2-3 मार्च को। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग पीरियड देखने को मिला, जिसके कारण एक वैल्यू में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया। उसके बाद डिले हो गया सिंबल, जिसके कारण एक नेगेटिव इमेज फैल गई नेम के बारे में, जिसके कारण बहुत ज्यादा लॉस हमें देखने को मिला, और बहुत ज्यादा पैनिक सेल आउट हो गया था नेम का, जिसके कारण एक लॉस हमें देखने को मिला। अब बात यह है कि यार, अब सिंबल तो आ गया, नो डाउट एक एफिशिएंट, एक अच्छी अच्छी प्रोग्रेस है इन लॉन्गर। अगर आप पिछले 4 हफ्ते से मैं पढ़ रहा हूँ रेडिट पे वगैरह पे, तो नेम के बारे में थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव माहौल बनने की कोशिश हो रही है, और बहुत सारे लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं कि भाई अब ठीक है, अब मुझे लगता है इन लॉन्गर रन ये ग्रो कर सकता है। अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली है, वो भैया होल्ड कर लो, बाय द एंड ऑफ अप्रैल अप्रैल तक आपको एक करंट प्राइस से तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। आप थोड़ा बहुत, जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसों पे इसको खरीदा हुआ था, अगर वो लॉस में चल रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा आप होल्ड कर लो 1 महीना। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, आप कर सकते हो इन लॉन्गर रन, नो डाउट प्राइस इंक्रीज होगी, टाइम लगेगा पर होगी। पर मैं यही बोलूंगा यार, आपको बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जिसपे आपको यार 80-90% पे भरोसा हो, जैसे एचबार हो गई, पॉलीगॉन मैटिक होगी, बहुत सारी अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो, तो क्यों ना उन पर इन्वेस्टमेंट कराया जाए एज कम्पेयर टू नेम के ऊपर। ये मेरा ओपिनियन है, मेरी राय है, बाकी यार आपका पैसा है, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, एडवाइजर नहीं हूँ। आपको जिधर इन्वेस्टमेंट करनी है आप कर सकते हो। मेरा काम था एक वीडियो बनाना, जिसमें मैंने नेम के बारे में बताया, नेम क्या कर रही है, कोशिश की कि एक सिंपल लैंग्वेज रखू, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए भाई नेम कर क्या रही है। बाकी यार आपकी आपका आपकी हार्ड अर्न मनी आप जहां मर्जी इन्वेस्ट करो। बाकी यार मैं यही कहूंगा कि भाई के ना चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबा के यार ऑल कर दो, ताकि वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। हम अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज पे डेली वीडियो डालते रहते हैं, तो यार आपको और अलग अलग इन्फॉर्मेशन, बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, ताकि आपको जितने भी डाउट्स आ गए उस क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड क्लियर हो जाए। यही तो हमारा मकसद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी करो, कमेंट करके अपने अपने अपना बात बताओ भैया, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, और अच्छी अच्छी क्रिप्टो करेंसी से इन्वेस्टमेंट करते रहें।